तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। जवान ने कल शानदार 18 दिन कंप्लीट करके आज 19वें दिन में एंट्री मार ली है। और भाई साहब कल तो तबाही मचा दी। जो एक दो रिकॉर्ड बचे थे जवान के नाम पर वो भी अपने नाम कर चुकी हैं एसआर के। जी हाँ दोस्तों, गदर 2 को पीछे करके हिंदी से फास्टेस्ट 500 करोड़ के क्लब में एंट्री मारने वाली जवान नंबर 1 मूवी बन चुकी है सिर्फ 18 ही दिनों में। उसके बाद सेकंड में गदर 2 आती है जिसने 500 करोड़ सिर्फ हिंदी से कंप्लीट किए थे 24 दिन में। उसके बाद पठान आती है जिसने ये रिकॉर्ड अपना नाम किया था 28वें दिन में। और उसके बाद बाहुबली 2 आती है जिसने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था 500 करोड़ के क्रॉस करने के वाला आंकड़ा अपने नाम किया था बाहुबली 2 ने 30वें दिन में। तो अब जवान नंबर 1 पर आ चुकी है जिसने सिर्फ 18 दिन में ही 500 करोड़ सिर्फ हिंदी से अपने नाम कर चुकी है। इसी के साथ पठान के नेट इंडियन लाइफ टाइम कलेक्शन को अपने 17वें दिन में ही बीट डाउन कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, जो 543 करोड़ का नेट इंडियन कलेक्शन था, जवान ने 548 करोड़ 17वें दिन में कंप्लीट करके उसे बीट डाउन कर दिया था। इसी के साथ अभी तक की सिंगल डे में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी है जवान, जिसने सिर्फ एक ही दिन में सिर्फ हिंदी से 71 करोड़ की कमाई करी थी, जाइंट कमाई। और जबकि ये आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है और ऐसा कोई कर भी नहीं पाया, ना कोई पैन इंडिया की मूवी ना कोई और भी, सिंगल डे में इतनी ह्यूज कलेक्शन अभी तक कोई मूवी कर ही नहीं पाई। इसी के साथ फास्टेस्ट 100 करोड़ कंप्लीट करने वाली, 200 करोड़ कंप्लीट करने वाली, 300, 400, 500, 600, 1000 करोड़ कंप्लीट करने वाली ये मूवी नंबर 1 बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, 1000 करोड़ इसने कंप्लीट कर लिए हैं या नहीं कर लिए हैं ये आपको आगे वीडियो में पता लगेगा, ये अभी नहीं बताऊंगा। KGF 2 के लाइफ टाइम कलेक्शन को रिकॉर्ड को भी ये खदेड़ने की रफ्तार में आगे निकल चुकी है। यह खदेड़ देगी या नहीं खदेड़ देगी ये भी आगे बात करेंगे। और इसी के साथ जवान ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है, कल का दिन कैसा रहा मूवी का, आज कैसी ग्रोथ कर रही है डे 19 पर, और फर्स्ट डे कितनी कमाई करी, पहले वीक में कितनी कमाई करी, पहले 10 दिन में कितनी कमाई करी, पहले 2 हफ्तों में मूवी ने कितनी कमाई करी है, टोटल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये मूवी कितना और कर सकती है, और अभी तक कौन कौन सी बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स इसने तोड़ दिए हैं। 2 दिन तो मैंने बता दिए जो ये रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और अभी कोई फिल्म बॉलीवुड में बसती भी नहीं है जो इसके सामने टिक पाए, मतलब उन्होंने सभी के ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अब पैन इंडिया मूवी की बारी है, लाइक KGF 2, RRR, बाहुबली 2। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना अगर जवान मूवी से रिलेटेड लगातार बिग अपडेट्स चाहते हैं और शाहरुख खान के डाई हार्ड फैन हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अटली कुमार के डायरेक्शन में 300 करोड़ के खर्चे पर बनने वाली फिल्म, जिसके मेन लीड में आपको शाहरुख खान मेन लीड में आपको देखने को मिलेंगे, मल्टीपल कैमियोज भी देखने को मिलेंगे, इसी के साथ स्टार कास्ट इज अमेजिंग, सपोर्टिंग कास्ट इज अमेजिंग, सेकंड लीड नयनतारा इज सुपर अमेजिंग, एंड विलेंस विजय सेतुपति इज सुपर अमेजिंग। बहुत ही जबरदस्त काम किया है सभी ने मिलकर, इस मूवी को इतने बढ़िया तरीके से सजाया है, पिरोया है। और मैं कहूंगा डायरेक्शन जो चाबुक मास्टर हैं अटली कुमार, इन्होंने तो बहुत ही जबरदस्त भूमिका निभाई है। कंटेंट इन सुपर अमेजिंग, स्टोरी लाइन इज फैंटास्टिक, सोशियो पॉलिटिकल एंड करप्शन के मुद्दों पर जबरदस्त तरीके से बात उठाई गई है। मतलब मास मसाले के साथ इन्होंने एक सोशल मैसेज बहुत ही प्यारा दिया है, इसलिए जवान इतनी ज्यादा ग्रो कर रही है। वरना सिर्फ मास मसाला के दम पर तो पठान ने भी ग्रो किया था, बट वैसे रिव्यू वैसा रिएक्शन क्या उसको मिला था, बिल्कुल नहीं मिला था। स्टोरी लाइन के मामले में पठान को सब लोगों ने एवरेज ही बताया था, बट ये स्टोरी लाइन के मामले में भी दमदार है, जबरदस्त है। तो अभी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करते हैं, पहले दिन से और आज डे 90 तक कैसी ग्रोथ चली है मूवी की। फर्स्ट डे ह्यूज कलेक्शन किया था 130 करोड़ का पूरी दुनिया से, पहले 3 दिन में ही 385 करोड़ के आंकड़े को टच कर लिया था पूरी दुनिया से, और पहले 7 दिन में सिर्फ हिंदी से मूवी 327 करोड़ कमा चुकी थी, और पूरी दुनिया से ये मूवी पहले 7 दिन में ही 660 करोड़ के आंकड़े को अपने नाम कर लिया था। बात करें सेकंड वीक कैसी शुरुआत करी, जबरदस्त शुरुआत करी, 8वें 9वें 10वें दिन सॉलिड ग्रोथ रही, वर्किंग डेज था, डिप देखने को मिला, इतना ज़्यादा भी डिप देखने को नहीं मिला था, जबरदस्त था। पहले 10 ही दिनों में सिर्फ हिंदी से 396 करोड़ आ चुका था, नेट इंडियन से 442 करोड़ आ चुका था, और पहले 10 दिन से 812 करोड़ के मार्वलस एंड ह्यूज आंकड़े को अपने खाते में रख लिया था। मात्र 10 दिन में ही 800 करोड़ कमाना कोई मामूली बात नहीं है। बॉलीवुड की 4 फिल्में जो 200-200 करोड़ की एवरेज वाली होती हैं, वो लगेंगी इसे आंकड़े को कंप्लीट करने के लिए अपने लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में, बल्कि अभी तो सिर्फ 10 दिन में ही मूवी ने 812 करोड़ कंप्लीट किए थे। इसी के साथ 11वें दिन में सेकंड संडे का फुल फायदा उठाते हुए अगेन जबरदस्त कमाई करी, और पूरी दुनिया से मूवी पहले 11 दिन में ही 859 करोड़ की ही जबरदस्त आंकड़े को अपने खाते में रख चुकी थी। बात करें 12वें 13वें दिन कैसी ग्रोथ रही, वर्किंग डेज होने के कारण ग्रोथ स्लो देखने को मिली, उतना खास कलेक्शन नहीं था। 14वें दिन यानी सेकंड वीक जैसे ही कंप्लीट किया, शानदार तरीके से कंप्लीट किया, पहले 2 हफ्ते में
सिर्फ हिंदी से 486 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन किया था। पहले दो हफ्ते में तेलुगु तमिल से 54 करोड़ का कलेक्शन ले आई थी ये मूवी। पहले दो हफ्ते में ही कलेक्शन नेट इंडिया से 520 करोड़ के आंकड़े को टच कर गया था। फास्टेस्ट 500 करोड़ कंप्लीट करने वाली नेट इंडियन के मामले में ये मूवी नंबर वन बन चुकी थी तब भी। इसी के साथ पहले दो हफ्ते में 300 करोड़ का ओवरसीज कलेक्शन ले आई थी ये मूवी और पूरी दुनिया से पहले दो हफ्ते में ही 922 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन कर लिया था। 922 करोड़ दो चेन्नई एक्सप्रेस के लाइफ टाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड के बराबर। इसने दो हफ्ते में 14 दिन में ही 922 करोड़ अपने खाते में रख लिया था। इसी के साथ 15वें और 16वें दिन में वर्किंग डेज होने के कारण फिर डिप देखने को मिला, ग्रोथ स्लो रही। लेकिन 17वें दिन में हिंदी से कलेक्शन आया, मतलब सैटरडे को, थर्ड सैटरडे को 11.50 करोड़ हिंदी से और तीनों लैंग्वेज का टोटल नेट कलेक्शन 12.25 करोड़ आया था 17वें दिन में। पूरी दुनिया से आया 25 करोड़ का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 17वें दिन में और पहले 17 दिन में ही 548 करोड़ का टोटल नेट इंडियन कलेक्शन ये मूवी कर चुकी थी, जिसने पठान के लाइफ टाइम नेट इंडियन कलेक्शन के रिकॉर्ड को 543 करोड़ को 17 दिन में ही बीट डाउन कर दिया। और अभी तो मूवी पूरी 30 दिन चलना बाकी है, तो ये आंकड़ा 600 करोड़ कब क्रॉस कर जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। बाय गॉड, बात करें कल्याणी थर्ड संडे की, यानी 18वें दिन कैसी ग्रोथ रही? एवरेज ग्रोथ रही, लेकिन फाड़ू ग्रोथ रही। कल भी डिप देखने को मिला क्योंकि गदर 2 अभी भी जबरदस्त तरीके से चल रही है सिनेमा हॉल में और विकी कौशल की नई ताजी फिल्म द ग्रेट इंडियन फैमिली भी जबरदस्त तरीके से सोच खा रही है। तो सिर्फ हिंदी से ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक 14 करोड़ की कमाई कर पाई। हालांकि संडे था इसलिए बूस्टर देखने को मिला, वरना वर्किंग डेज में ये आंकड़ा हमें सिंगल डिजिट देखने को मिलता। और ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 16 करोड़ का आया कल एंड ऑफ द डे तक और ग्रॉस कलेक्शन 20 करोड़ का आया और कल पूरी दुनिया से मूवी 28 करोड़ कमाते दिखी थी। तो इसी के साथ सिर्फ हिंदी से पहले 17 दिन में ही मूवी 506 करोड़ के ह्यूज एंड मार्वलस एंड ग्लोरियस आंकड़े को अपने खाते में रख लिया था मात्र 18 दिन में ही। जी हां दोस्तों, और यहां तक गदर 2 के रिकॉर्ड को भी खदेड़ दिया, जिसने फास्टेस्ट 24 दिन में 500 करोड़ के हिंदी से कलेक्शन किया था और मूवी अब जवान नंबर 1 पर आ चुकी, जिसने 18 दिन में ही 500 करोड़ के कलेक्शन को अपने नाम कर लिया है मात्र 18 दिन में ही। और ये नंबर 1 पर आ चुकी है। उसके बाद गदर 2 है जिसने 24 दिन में किया है, उसके बाद पठान है जिसने 28 दिन में किया, उसके बाद बाहुबली 2 है जिसने 30 दिन में किया है। ये आंकड़ा कौन सा? 500 करोड़ का सिर्फ हिंदी से कलेक्शन किया है। बाय गॉड, तो जवान अब नंबर 1 पर आ चुकी है। इसी के साथ पहले 18 दिन में नेट इंडियन कलेक्शन मूवी का हो चुका है 564 करोड़ और पूरी दुनिया से पहले 18 दिन में हो गया था कल यानी एंड ऑफ द डे तक 1007 करोड़ कलेक्शन करते नजर आई है। तो भाई साहब तहलका मच गया क्योंकि मात्र 18 दिन में ही 1000 करोड़ कंप्लीट करना बॉलीवुड मूवी के लिए, हिंदी मूवी के लिए कभी ऐसा सिनेरियो आया ही नहीं। और बाय गॉड शाहरुख खान ने ये पॉसिबल किया है, एक नहीं दो बार किया है। पठान के साथ भी 1000 करोड़ कंप्लीट किया, जवान के साथ भी 1000 करोड़ कंप्लीट किया। मुझे तो लग रहा है दिसंबर में डंकी मूवी के साथ ये 1000 करोड़, अभी तो 18 दिन में जवान से किया 1000 करोड़, दिसंबर में डंकी मूवी के साथ 15 से या 16 दिन के अंदर ही 1000 करोड़ कंप्लीट करने वाले हैं। कैसे? क्योंकि पठान और जवान का फुल बूस्टर मिलेगा, उसके बाद डायरेक्टर राजकुमार हिरानी का नाम जो चमक रहा है उसका भी बूस्टर मिलेगा और शाहरुख खान की जो फैन फॉलोइंग पहले तो थी ही थी, अब जो और स्ट्रांग हो गई है, अब जो और बढ़ गई है, तो मजा आने वाला है। बाय गॉड, ये मतलब कोई भी प्रिडिक्शन ऐसी अजम्पशन लगा सकते हैं कि 15 से 16 दिन के अंदर 1000 करोड़ डंकी कर जाएगी। बात करें आज यानी 19वें दिन यानी थर्ड मंडे को कैसी ग्रोथ चल रही है, तो आज है वर्किंग डे, सिंगल डिजिट कलेक्शन ही देखने को मिलेंगे, उतनी कमाई नहीं कर पाएगी। मैं हवा हवा में कुछ भी बोल दूं कुछ फर्क नहीं, कुछ मतलब नहीं बनता क्योंकि वर्किंग डेज में ग्रोथ स्लो रहती है और सामने गदर 2 है और विकी कौशल की द ग्रेट इंडियन फैमिली दोनों मूवी चल रही है, तो नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि मूवी ये कमाई कर ही नहीं पाएगी, उतनी ज़्यादा नहीं कर पाएगी, लेकिन हाँ थिएटर में बनी रहेगी, सिनेमाघर में बनी रहेगी। यहाँ दोस्तों आज ओवरऑल डे 10-12% की ऑक्यूपेंसी के साथ मूवी इवनिंग और नाइट में कुछ एक जगह अच्छे सोच अपने नाम कर रही है। हाउसफुल तो फिर भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, अगर हो जाता है तो मूवी का लक है, बट मुझे नहीं लगता कि हाउसफुल सोज अब जाने वाले। तो आज मूवी एंड ऑफ द डे तक ऑल इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 6 करोड़ के तक कमाते दिख रही है, जिसमें से सिर्फ हिंदी से 5.5 करोड़ आता दिख रहा है और पूरी दुनिया से ये मूवी 10 करोड़ की सॉलिड कमाई करते नजर आ रही है। इसी के साथ सिर्फ हिंदी से पहले 18 दिन में ही 511 करोड़ का मार्वलस आंकड़ा अपने नाम कर लेगी। इसी से पहले 18 ही दिन में आज एंड ऑफ द डे तक ऑल इंडिया नेट से 570 करोड़ के क्लब में एंट्री मार लेगी और पूरी दुनिया से जवान आज एंड ऑफ द डे तक 1017 करोड़ कंप्लीट करते नजर आएगी। अमेजिंग ग्रोथ
ग्रोथ है, लेकिन मैं आपको बता दूं तो कल डे 18 की रिपोर्ट अभी फ्लेक्सिबल है और जब भी ऑफिशियल रिपोर्ट आएगी तब उस पर हम आपको सारा डेटा बता देंगे शुरुआत से ही। तो दोस्तों फैंस लोगों का इंतजार खत्म हुआ, पहला पड़ाव मूवी ने पार कर लिया है, 1000 करोड़ कंप्लीट कर लिए, क्योंकि ये बात पिछले 2-3 महीने से घूम रही थी कि 1000 करोड़ ये मूवी कब कर जाएगी, क्योंकि डेफिनेटली बहुत से लोगों का या 80% लोग ये कह ही रहे थे, क्रिटिक्स भी यही कह रहे थे कि मूवी 1000 करोड़ तो कर जाएगी बट कब कर जाएगी। तो वो दिन कंप्लीट हुआ कल, 18 दिन में इस मूवी ने 1000 करोड़ कंप्लीट कर लिए हैं। तो सबको ये प्रूफ भी मिल गया, बाकी हेटर्स को सॉलिड तमाचा भी मिला है, क्योंकि बहुत से लोग ये भी कह रहे थे, बहुत से नहीं कहूंगा कुछ एक लोग ये कह रहे थे कि मूवी 1000 करोड़ नहीं कर पाएगी। तो ये मूवी अपने नाम 1000 करोड़ दोबारा से लेके गए हैं, शाहरुख खान दोबारा से वही आंकड़ा अपने नाम लेके गए हैं जो पठान में किया था। तो अब आप लोग ये बताएंगे कि ऐसे में जवान टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन कितना कर सकती है। मैं मान के चल रहा हूँ 1200 करोड़ जाएगा ही जाएगा। आप लोगों का कहना है क्या मूवी 1200 करोड़ टच करेगी, और अगर 1200 करोड़ पहुंच जाते हैं तो क्या KGF 2 के लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को ये मूवी खदेड़ सकती है? जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। बाकी मूवी रूवी और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।